गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेम चैप्टर मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम. यस्टरडे वी लर्न अबाउट द इनकम मेथड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड. हम लोगों ने पहले से इसको पढ़ रखा था कि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम है वो थ्री मेथड से होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड. तो हम लोगों ने कल तक इनकम मेथड पढ़ा था, जिस इनकम मेथड में हम लोगों ने जब नेशनल इनकम निकालना होता था तो उसमें हमने कंपोनेंट पढ़े थे कि सबसे पहले क्या करना होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जोड़ना होता है, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ना होता है जिसके तीन पार्ट होते हैं, जिसको रेंट एंड रॉयल्टी कहते हैं, सेकेंड को इंटरेस्ट कहते हैं एंड थर्ड को प्रॉफिट कहते हैं. फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड इनकम बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जोड़ते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं उनकी जो मिक्स्ड इनकम है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं. एट लास्ट जो थर्ड होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं. अगर यहीं पर हम लोग डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे होते तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर क्योंकि सबको बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाएंगे तो नेशनल में नेट फीफा को इंक्लूड रखना है, डोमेस्टिक में नेट फीफा नहीं होना चाहिए. तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी. आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम लोग बात करें, इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोलते हैं कि फैक्टर इनकम अर्न बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई फर्म. एक फर्म के द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उस प्रोड्यूस करने में जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा उसको स्पेंड करना. इसका दूसरी तरह अगर हम देखना चाहें तो कल जो इनकम मेथड से इनकम निकल रही थी, वो इनकम जो लोगों के पास जा रही थी, किसके किसके पास वो इनकम थी, वो लेबर के पास थी, वो लैंड के पास थी, वो कैपिटल के पास थी, वो एंटरप्रेन्योर के पास थी. तो ये जो चारों के पास जो इनकम थी उस इनकम को स्पेंड करने को ही हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं. मतलब अगर 100 रुपए उन्होंने अर्न किया था, किसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, जितने 100 रुपए उन्होंने अर्न किए थे उस 100 रुपए का वो स्पेंड करेंगे. स्पेंड करने में भी हम लोगों ने पीछे देखे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि स्पेंड जो होता है जनरली टू, जो फाइनल, क्योंकि हमने शुरू से इसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हम लोग फाइनल गुड्स को ही केवल लेते हैं. किसको लेते हैं, फाइनल गुड्स को. फाइनल गुड्स जो होते हैं वो टू कैटेगरी के होते हैं, हम लोगों ने वहाँ डिस्टिंग्विश किया हुआ था. एक को कंजम्पशन गुड्स कहते हैं और दूसरे को कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो इसका मतलब फाइनल गुड्स का जब एक्सपेंडिचर होना है वो कंजम्पशन गुड्स में भी होगा और वो कैपिटल गुड्स में भी होगा. तो हमें जब भी इस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंजम्पशन गुड में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और कैपिटल गुड्स में कितना हो रहा है. दोनों गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. जैसे जनरली कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में जब एक्सपेंडिचर होता है तो हम लोग देखते हैं कि जब नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो जनरली इसको बोला जाता है सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और उसके बाद फॉरनर. क्योंकि हम लोगों ने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था या सर्कुलर फ्लो पढ़ा था हमने, तो सर्कुलर फ्लो में हमने देखा था कि पहले टू सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो था, फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो था, फिर फोर सेक्टर इकोनॉमी था. तो जो पहला था टू सेक्टर, तो उसमें तो केवल हम यानी क्लोज इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब भी हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे वी इंक्लूड ऑल फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे. तो चार सेक्टर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट सेक्टर तो हाउस होल्ड होता है, तो हाउस होल्ड के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे किसमें,
कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फिर सेकेंड कौन होता है? फर्म होता है। फर्म के भी जो एक्सपेंडिचर्स होंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उसको इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी दोनों में एक्सपेंडिचर होगा, कुछ उसका कंज्यूमर गुड्स में होगा, कुछ उसका कैपिटल गुड्स में होगा, उसको इंक्लूड करेंगे। फिर फार्मर्स का होता है, फार्मर्स का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या होता है कि हमारी जो गुड्स हैं उसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि हम जब गुड्स को अदर कंट्री में सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, अदर कंट्री वाले जब हमारी कंट्री में सेल करते हैं तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट में हम पैसा अर्न करके लाते हैं, इम्पोर्ट वो हमारी कंट्री से मनी ले करके चले जाते हैं। तो इस मेथड में हम लोग यही इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इस तरह से कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से इसके। तो अब सबसे पहले जब इसको, तो बाद में हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके पहले हम लोग जानते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अगर कंपोनेंट पता होगा तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसके कंपोनेंट अगर हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, इसको डिस्पोजल मेथड कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसको जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो कंपोनेंट होते कौन से हैं? पहला कंपोनेंट होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको PFCE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PFCE। अगर इसकी डिफिनीशंस को हम लोग क्रिएट करें तो हमेशा इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, इट रेफर टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, मतलब फर्म, ऑन ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी तरह के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो सभी के सभी, या सर्विसेज कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, वो सबको इंक्लूड करते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें सभी आते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आता है, और ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आती हैं। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जब टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे तो उसमें पढ़ ही रहे थे कंज्यूमर में कि ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। लेकिन इसमें ड्यूरेबल गुड्स में केवल हाउस नहीं आएगा, सारे ड्यूरेबल गुड्स आएंगे, लेकिन हाउस को अगर गुड्स की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे होंगे तो इट नॉट इंक्लूडेड इन अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका सम हुआ? पहला ये हुआ कि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन वर्ड है, इट्स मीन कंज्यूमर गुड्स। तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में जितना भी इन्होंने किया हुआ है एक्सपेंडिचर उसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा इसमें रहता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, जितने नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं और उनकी जो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंसेस हैं, इट आल्सो इंक्लूड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों चीज़ का इंक्लूड हो रहा, एक कौन सा इंक्लूड हो रहा, एक इंक्लूड हो रहा ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय हाउस होल्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स, जितने भी खर्चे हाउस होल्ड ने किसके ऊपर किया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स में किया है, इट इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। सेकेंड इसमें होता है फर्म नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, जो फर्म होती हैं जिनको हम नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यही नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड का मतलब ही होता है कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो परचेज कर रहे होते हैं, बाकी तो फर्म हमेशा कैपिटल गुड्स परचेज करती है, इसलिए इस तरह के इसका टर्म यूज किया गया। तो दो, दूसरी एक सिंपल लैंग्वेज में केवल इसको बोल सकते हैं कि ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड एंड फर्म ऑन कंज्यूमर गुड्स, हाउसहोल्ड फर्म के द्वारा जितना भी कंज्यूमर गुड्स में एक्सपेंडिचर किया गया है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है। इसमें बस इन चीजों को ध्यान रखा जाता है कि ये ऐसा कोई भी, यानी कि जो हाउस हैं ये हैं जो कि कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हाउस होल्ड जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इससे उसका कैपिटल फॉर्म होता है, क्योंकि हाउस जो हाउस होल्ड होता है, हम लोग होते हैं जो हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एक जनरल पर्सन है वो जो घर बनाता है तो घर उसके लिए अपने आप में कैपिटल का फॉर्मेशन होती है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसकी, इसको अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसकी भी डिफिनीशन क्या होगा, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस है, लॉ है, एजुकेशन है, ETC, ये सारी चीज़ों में कि लॉ में, एजुकेशन, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है जनरल गवर्नमेंट, जनरल अपनी उसको एडमिनिस्ट्रेशंस को गवर्न करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों में जो भी आता है, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग के इंटेंशंस के नहीं होते, इसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इसमें एक्सपेंडिचर ही होता है, तो इसलिए ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग क्या रखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमेशा जो इसको कई लोग इसको बोला करते हैं कि GFC जिसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इज इक्वल टू द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन यूज बाय कलेक्टिव यूज बाय द पब्लिक, पब्लिक के लिए जो कलेक्टिव यूज के लिए होता है उसके लिए इसको इंक्लूड करती है और उसके लिए इसको परचेज करती है। तो कुल दूसरी लैंग्वेज में इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो हमेशा यही बोलेंगे ऑल द परचेजेस मेड बाय गवर्नमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जनरल एक्सपेंसेज हैं, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जनरल जो फंक्शनिंग है उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस करेंगे, दीज एक्सपेंसेज इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें देखिए, इसमें दो आए थे सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर आया था हाउस होल्ड एंड सेकेंड वॉज द फॉर्म, और ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो कौन सा हो गया, थर्ड सेक्टर, गवर्नमेंट इज द थर्ड सेक्टर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर्स का जो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंसेस है वो इसमें इंक्लूड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स। अभी फाइनल गुड्स की टू कैटेगरी की थी, वन इज कंजम्पशन गुड्स एंड सेकेंड इज द कैपिटल गुड्स, तो इनका कंजम्पशन, तीनों सेक्टर्स का कंजम्पशन गुड्स का एक्सपेंडिचर इस दोनों में इंक्लूड हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वर्ड ही आ गया कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन, वर्ड आ गया मतलब यहाँ पर हमें क्या करना, कौन सा है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, इसमें क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रास डोमेस्टिक, इसको ग्रास इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, ग्रास वर्ड लगने से तो आपको सबको पता हो गया कि हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, ग्रास का मतलब इसमें डिप्रिसिएशन ऐड रहेगा, इसमें डिप्रिसिएशन अलग नहीं होगा, अगर नेट इन्वेस्टमेंट होता इट्स मीन वी एक्सक्लूड डिप्रिसिएशन, हम डिप्रिसिएशन को क्या कर देते, एक्सक्लूड कर देते। तो ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है अगर इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो फिर वही सिंपल सा, इट रेफर टू द ऑल टाइप ऑफ कैपिटल स्टॉक्स ऑफ द इकोनॉमी, ये किसको इंक्लूड करता है, इट रेफर टू द एड ऑफ द ऑल कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के जितना भी कैपिटल स्टॉक है वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक है कौन कौन सा, पहला कैपिटल स्टॉक है होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मीन कैपिटल फॉर्मेशन बाय हाउस होल्ड, कैपिटल फॉर्मेशन बाय फर्म, कैपिटल फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट, तीनों सेक्टर्स की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इसमें इंक्लूड होगा। फिक्स्ड वर्ड का मतलब है इसमें इन्वेंट्रीज नहीं आएंगी, इसमें केवल क्या आएगा, पूरा का पूरा जो उस साल में कैपिटल फॉर्मेशन में हमने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर किए हैं, क्योंकि जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें जो एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर टू कैटेगरी में आ जाते हैं।
टू कैटेगरी में कैसे आ जाते हैं, एक तो जो हमने बजट बनाया वो विद इन ईयर खत्म हो जाता है, पूरा पूरा एक्सपेंसेस किस में चला जाता है, विद इन ईयर, एक साल के अंदर खत्म। कुछ होता है कि उसमें वो अगले साल कैरी हो जाता है, तो जितना भी स्टॉक उस साल में हमने एक्सपेंसेस किया है वो किस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, फाइनल एक्सपेंडिचर में, और जो बच जाएगा वो सीआईएस में चला जाएगा। इसीलिए इसको फाइनल की जगह इसको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, इसके तीन पार्ट हैं, एक किसका है, हाउस होल्ड का, दूसरा किसका है, फर्म का, और तीसरा किसका है, गवर्नमेंट का। तो हम देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन तो तीनों करते हैं, कैपिटल फॉर्म बाय द हाउस होल्ड, कैपिटल फॉर्म बाय द फर्म, कैपिटल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल, जो फाइनल यानी कैपिटल का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, तो सबसे पहला अगर इसको हम लोगों ने देखें, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया है कि ग्रॉस जो बी है, बी हाउस होल्ड है, ए जो दिया गया है वो फर्म है, और सी जो दिया गया है वो गवर्नमेंट है। तो हम लोग इसको सबसे पहले ही उससे फर्म से ही चलते हैं। ए में दिया गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोगों ने, उसको क्या कहेंगे, ये फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट है। फर्म ने किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फर्म ने कैपिटल फॉर्मेशन में किया हुआ है, फर्म ने पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट किस में किया है, फॉर द परचेजिंग ऑफ प्लांट्स, फॉर द परचेजिंग ऑफ मशीनरी, फॉर द परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम प्लांट्स की को नया प्लांट लगाएं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी परचेज करें फॉर्म के लिए तो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट परचेज करें तो इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब है डिप्रिसिएशन सहित ऐड है, तो ये पूरा पूरा वो इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी फर्म फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में करती है, कि एक नया प्लांट लगाती है, या फिर दूसरा क्या करती है, वो दूसरा क्या करती है प्लांट लगाने की, मशीनरी उसके लिए परचेज करती है, या फिर वो क्या करती है, तमाम तरह के इक्विपमेंट हैं जो लॉन्ग टर्म के ड्यूरेबल इक्विपमेंट हैं उनको परचेज करती है। तो ये सब के सब इस ग्रास हैं। तो इसका एग्जांपल आप अगर देखना चाहो तो, अगर कोई एक फर्म लगा रहा, मान लो एक राइस मिल लग रही, तो राइस मिल में सबसे पहले बिल्डिंग बनती है, तो वो उसका प्लांट की कैटेगरी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसकी मशीनरी परचेज की जाती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल गुड्स हैं, इसलिए फिक्स्ड, क्योंकि वन ईयर में ख़त्म होने वाली नहीं है, फिक्स की कैटेगरी में आ गया, फिर इसके इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है उसके, ऐसे और इक्विपमेंट जो लॉन्ग टर्म चलने वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, वो सारी चीज़ें तो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, तो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये ग्रास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये जो फर्म करती है, जो फर्म ने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकेंड होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये हाउस होल्ड का है। हाउस होल्ड क्या करती है रेजिडेंस के फॉर्मेशन में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हाउस होल्ड के लिए केवल कैपिटल फॉर्मेशन एक ही है, फॉर्मेशन ऑफ होम, फॉर्मेशन ऑफ हाउस, हाउस का फॉर्मेशन करना, उसको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करना, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो किसका पार्ट हो जाएगा, हाउस होल्ड के कैपिटल फॉर्मेशन का। थर्ड है गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क, इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है जो उसके पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और ये भी लॉन्ग टर्म चलने वाले इन्वेस्टमेंट हैं। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने एरिया में, यानी जिस जहाँ पर उसका, अगर स्टेट गवर्नमेंट तो अपने स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे यानी पूरे कंट्री में, ये क्या बनाती है, लगातार रोड्स बनाती रहती हैं। रोड उनका क्या है, हमेशा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल का मतलब ये उनका इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या है, वो पार्क बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, फिर इसके बाद डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ों का वो फॉर्मेशन करते हैं, ये इनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, और ये भी यानी ग्रॉस इसलिए ले रहे हैं कि हम पूरा पूरा ही मनी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर इनके अलावा जो फिक्स्ड, इसमें आपने देखा था एक टर्म फिक्स्ड यूज था, वही टर्म फिक्स्ड किस में यूज था, फर्म के द्वारा।
तो अगर फिक्स्ड वर्ड है इसका मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो अलग से जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? अलग से जुड़ेगा। अगर इस जगह पर फिक्स्ड नहीं होता तो फिर इन्वेंट्री हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। फिक्स्ड का मतलब कि जो उस साल एक्सपेंडिचर, उस साल खर्च हो चुका। इस साल मैंने बजट बनाया कि 10 लाख का अपना हाउस बनाऊंगा, अपने घर में कितना करूंगा, 10 लाख रुपए खर्च करूंगा। करते करते 9,50,000 खर्च हुए, अभी भी वो प्रोसेस में ही हमारा है। तो प्रोसेस में होने कारण 10,50,000 क्या वही इस साल के एक्सपेंडिचर में नहीं आए, वो अगले साल हो जाएगा। लेकिन हमने तो अर्न इसी साल वो पैसा किया था, इसीलिए वो इसी साल के एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। उसी को चेंज इन स्टॉक कहते हैं, उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे एक वो क्या करती है, एक जो बहुत बड़ा यानी इंटरप्रेन्योर है, वो एक बिल्डिंग, एक इंडस्ट्री बनाना शुरू करता है। इंडस्ट्री जब बनाया तो उसने पहले ही इस साल उसकी जो इनकम का एक हिस्सा था पूरा 100 करोड़ रुपए निकाल कर उसने इंडस्ट्री बनाने वाले खाते में डाल दिया। करते करते उसके 100 करोड़ की बजाय 90 करोड़ ही इन्वेस्ट हुए, 10 करोड़ बच गए, तो वो तो अगले साल में चले गए, लेकिन इनकम का वो इसी साल का पार्ट रहे। तो ये जुड़ेगा। तो ये तीन सेक्टर्स का था, इन दोनों में, तीनों सेक्टर्स का कंज्यूमर गुड्स में था और इसमें तीनों सेक्टर्स का किस में था, कैपिटल गुड्स में। फिर उसके बाद एक पड़ता है, बचता है जो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस किसका, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये थर्ड है। ये हमारे किस सेक्टर्स को कवर करता है, फॉरेन सेक्टर्स को। ये इट इज़ द फोर्थ वन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर्स को ये कवर करता है। इसमें फॉरेन सेक्टर्स का में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और उसके तो फॉरेन के साथ हमारे दो ही रिलेशन है, एक है एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सेकेंड इज द इम्पोर्ट ऑफ द गुड। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स से वी अर्न मनी फ्रॉम अदर कंट्री, और इम्पोर्ट फ्रॉम गुड्स वी सेंड मनी टू अदर कंट्री। तो एक्सपोर्ट हमेशा, अगर डेफिनेशन इसकी क्रिएट किया जाए, डिफिनेशन देख सकते हैं, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो डिफरेंस है उसी को हम लोग नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इसको तो ये डिफिनेशन क्या हुई, इट रेफर टू द डिफरेंसेज बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट हमने पहले एक्सपेंडिचर बाई फॉरनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, जो फॉरनर्स हैं वो हमारे ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक गुड्स को परचेज करने में, तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इसमें गुड्स जाता है और मनी आती है। सेकेंड इज द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जो है एक्सपेंडिचर बाई रेजिडेंट ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन गुड्स, जो इसमें जो एक्सपेंडिचर है हमारी रेजिडेंट, हमारी कंट्री के रेजिडेंट को फॉरेन गुड्स को परचेज करने में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं, मनी हमारी क्या होती है, अदर कंट्री चली जाती है। तो ये क्या थे, इसके 5 कंपोनेंट थे, किस मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, अब इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल यानी प्रोसेस आएंगे कि इसका फार्मूला कैसे क्रिएट होता है। तो हमारे पास अगर है एन एन पी एफ सी, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, NNPFC मीन नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो उस फाइंड आउट करने में हमें ये 5 कंपोनेंट को जोड़ना पड़ता है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट क्या हो, ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों, जो 4 कंपोनेंट हम लोगों ने अभी पढ़े, ये चारों कंपोनेंट को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जब हम कंपोनेंट जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा दो चीज़ें इसको हम लोगों यानी करने में आई थी। एक चीज़ हमने इसको देखा था कि जब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करती है, या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी फर्म या हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं, दे ऑलवेज परचेज फ्रॉम द मार्केट,
मार्केट से वो परचेज करते हैं, वो फॉर्म से डायरेक्ट परचेज नहीं करते हैं। जब मार्केट से हम परचेज करेंगे तो इट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या इंक्लूड कर लेता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं तो मतलब इसके ये चारों में से जो भी परचेजिंग हुई उसमें सब में क्या हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं, तो और सब्सिडी इसकी एक्सक्लूड है। फिर इसके बाद दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले ही बताया था इस जगह पर वर्ड क्या बार बार यूज हो रहा है? ग्रॉस। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब इसमें डिप्रिसिएशन क्या है? ऐड है पहले से। किसमें? इन इसमें, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो ग्रॉस वर्ड है ये इस बात का इंडिकेशन है कि इट इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट। जो फिक्स्ड असेट होती है उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने। तो हमें क्या करना है? अगर इस जगह यन निकालना है, यन का मतलब नेट, नेट का मतलब मैंने पहले ही बताया डिप्रिसिएशन ऐड नहीं होना चाहिए, और इसमें डिप्रिसिएशन क्या है? ऐड है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर FCA मतलब हमें क्या जो भी डाटा चाहिए वो कैसे चाहिए? फैक्टर कास्ट में। इसका मतलब NIT इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और इनमें सब में पहले से ही NIT क्या है? इंक्लूड है। तो NIT हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हम फिर क्या कर देंगे? NIT को भी बाहर कर देंगे। तो जब डिप्रिसिएशन और NIT दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NDPFC, क्योंकि N कब होगा? नेशनल कब होगा? जब नेट फीफा ऐड होगा। तो अगर नेट फीफा, तो ये फार्मूला किसका बन गया? NNP किसका फार्मूला बन गया? NNPFC का। हम इसके फार्मूले को फिर से देखते हैं। इस फार्मूले को मैं दूसरी तरह से इसको देखता हूँ कि मेरे पास, मैं इसको GDPFC की बजाय MP निकालता हूँ। GDP MP का फार्मूला बनाता हूँ। तो अगर इसको जब GDP MP को बनाता हूँ तो पहला क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या रहेगा इसमें? इंक्लूड। इसमें सोचना ही नहीं हमें। दूसरा क्या इसमें इंक्लूड रहेगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या इंक्लूड रहेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा क्या रहेगा? नेट एक्सपोर्ट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? जी है, मतलब जी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस। तो ग्रॉस ये निकालना है, और ग्रॉस यहाँ पर है भी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस है मतलब डिप्रिसिएशन ऐड है, डिप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना डिप्रिसिएशन को। दूसरा क्या है इसमें? डी डोमेस्टिक मतलब नेट फीफा नहीं होना चाहिए। नेट फीफा तो मैंने नेट फीफा लिखा ही नहीं। तीसरा क्या? MP NIT ऐड होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया जब इसको बता रहा था कि प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट ये सब जब परचेज कर रहे थे तो ये मार्केट प्राइस में कर रहे थे, तो NIT ऐड था। इसीलिए जब मुझे FC निकालना था, NIT क्या किया था? माइनस किया था। यहाँ ऑलरेडी ऐड है तो मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये GDP MP में बस ये चार चीज़ें अगर हम जोड़ देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। इसी में अब एक एक चीज़ को अलग अलग करके देखें। अगर यहां जी की जगह क्या कर दें? नेट, यानी ग्रॉस को हटाकर मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? नेट में। तो यहां ग्रॉस है जिसमें डिप्रिसिएशन ऐड है, और निकालना क्या है? विदाउट डिप्रिसिएशन। तो मतलब हमें डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर यहां पर MP को मैं हटा दूं और इस जगह पर क्या कर दूं? FC कर दूं, तो FC का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए हमें,
फैक्टर कास्ट पे चाहिए, तो एमपी था, एमपी से एफसी गया, मतलब एनआईटी माइनस होगा, तो मैंने एनआईटी क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। फिर ये डी है, डी को हटा कर डोमेस्टिक था नेशनल में कन्वर्ट कर दें, तो डी से एन जाते हैं, डी में नेट फीफा ऐड नहीं है, लेकिन नेशनल में नेट फीफा क्या होगा, ऐड होगा, तो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिख दिया। क्या लिख दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यही जो फार्मूला यहाँ बना था मैंने वही फार्मूला वहाँ बना दिया, क्योंकि ये मेरे पास जीडीपी से मैंने इसको किस में कर दिया, एनएनपीएफसी में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह इसका फार्मूला क्रिएट होगा। इसी तरह एक ही फार्मूले से मैंने इसको दूसरे चीज़ का, मैं अगर इसमें फार्मूला करूँ कि मैं एन डी पी एफ सी, मतलब एन डी पी एफ सी का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम, अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है मुझे तो फिर वही, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे ही रहेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वही रहेगा। फिर उसके बाद ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये थोड़ा चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो देखा था, उसको बाद में हम लोग करेंगे, पहले एक सिंपल सीधा सीधा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फिर यानी अब चाहिए कि इसमें नेट में, और इसमें डिप्रिसिएशन ऐड, इसमें डिप्रिसिएशन ऐड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस। फिर मुझे कि इसमें चाहिए डोमेस्टिक में, नेट फीफा ऐड नहीं होना चाहिए तो ऐड नहीं किया मैंने, एफ सी में चाहिए तो एन आई टी में ऐड है, इसलिए एन आई टी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इस तरह इसका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, इसका ये फार्मूला क्रिएट हो गया। इसी तरह किसी भी उसका फार्मूला जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसे ही रख रहा हूँ, गवर्नमेंट फाइनल वैसे ही रख रहा हूँ, ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल वैसे ही रख रहा हूँ, यानी वैसे ही रख रहा हूँ, इनको चेंज ही नहीं कर रहा। जो चेंज है डिप्रिसिएशन, एन आई टी और नेट फीफा, जो बेसिक एग्रीगेट्स पढ़ाए थे उसमें यही कॉन्सेप्ट को हमने लिया हुआ था, और इसी तरह से इसको हम लोगों ने इसको किया हुआ था, तो उसको हम लोगों ने देखा था। तो इसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह से इसका इसको हमेशा करते हैं। फिर इसकी कोशिश हम लोग करके देखेंगे तो और इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, दूसरी उसमें करेंगे। इसी का एक और फार्मूला अगर क्रिएट करके देखना चाहे, क्योंकि न्यूमेरिकल आज नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल जब हम लोग अगली स्लाइड में कल करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा। तो और फिर हम लोग अब जो न्यूमेरिकल करेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को साइड बाई साइड करके करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं, अब मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको क्या करूँ, जी एन पी फार्मूला बनाऊँ। तो अभी क्योंकि मैं ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को अभी तोड़ नहीं रहा हूँ, वैसे ही रख रहा हूँ, तो इसीलिए क्योंकि अभी मैं ये नहीं बता रहा, ये मैं कल बताऊँगा कि ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल, क्योंकि प्राइवेट को कुछ नहीं चेंज होना, गवर्नमेंट वाले में कुछ नहीं चेंज होना, नेट एक्सपोर्ट में कुछ नहीं चेंज होना, ज़्यादा ज़्यादा इसमें चेंज क्या हो सकता है, एक्स माइनस एम इसको बोलते हैं, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट दिया हो इम्पोर्ट अलग दिया हो तो एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर कभी कभी इसमें एक चेंज आता है, अब वो चेंज क्या आता है, नेट, यहाँ लिखा हुआ है ना ग्रॉस, ग्रॉस की जगह कभी कभी क्या लिखा होता है, नेट, तो अगर नेट लिखा हो तो हम क्या करेंगे, वो हम लोग अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, हम ग्रॉस के साथ ही चल रहे हैं। तो इसका फार्मूला बनाते हैं तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसे ही रहेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसे ही रहेगा, फिर ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसी तरह से रहेगा, नेट एक्सपोर्ट उसी तरह से रहेगा। फिर हमें देखना है, हमें क्या देखना है इसको, कि जी है और जी यहाँ है तो मतलब डिप्रिसिएशन का कोई काम नहीं, फिर इसके बाद एन है तो एन का मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब नेट फीफा ऐड होगा, नेट फीफा क्या होगा, ऐड होगा। फिर उसके बाद एफ सी है, मतलब एन आई टी नहीं होना चाहिए, और एन आई टी इन दोनों में है तो एन आई टी क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। इस तरह ये फार्मूले क्रिएट किए जाते हैं, और इसका हम लोग कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे इसके भी और इनकम मेथड के भी। पहले 15 मिनट हम लोग केवल एक्सपेंडिचर के करेंगे,
फिर उसके बाद 15 मिनट दोनों को एक साथ कंबाइंड करके करें, तो फिर हम देखेंगे कि उसमें फार्मूले कैसे क्रिएट होते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शंस है कि ये किस और नाम से आ सकता है वो भी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।